हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामु अलैकुम, आप सबको शबे कद्र बहुत बहुत मुबारक हो। शबे कद्र के मौके पर आज रात हैदराबाद के फ्लाईओवर ब्रिजेस बंद, पुलिस ने कहा। शबे कद्र के मौके पर हैदराबाद में कई फ्लाईओवर ब्रिजेस मंगल यानी 18 अप्रैल की रात 10 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद में ग्रीन लैंड फ्लाईओवर, पीएनवीआर एक्सप्रेसवे और लंगर हाउस फ्लाईओवर के अलावा तमाम फ्लाईओवर्स बंद रहेंगे। दूसरी जानब ट्रैफिक पुलिस हुक्काम ने बताया कि नेकलेस रोड को भी बंद कर दिया जाएगा। निर्मल में ईदगाह के लिए मुख्तस जमीन गैरकानूनी, तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को लेटर। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने निर्मल टाउन में ईदगाह की तामीर के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की मुख्तस जंगलाती जमीन को गैरकानूनी तौर पर ईदगाह के लिए मुख्तस करने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बीजेपी लीडर ने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को एक लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल को गिरवी रखकर खुद गर्जाना सियासत के लिए ईद की नमाज के लिए जमीन मुख्तस करना गैरकानूनी है। मुश्तरका आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने वाजे किया था कि अवामी मकासद के लिए मुख्तस की गई जमीन को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालती अहकाम के खिलाफ निर्मल जिले के चंचोली में ईदगाह की तामीर करना अदालती अहकाम की तोहिन है। अमित शाह का 23 अप्रैल को दौरा है तेलंगाना। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 23 अप्रैल को तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो चेवड़ला में होने वाले बड़े जलसे आम से खिताब भी करेंगे, जिसमें अहम कायदीन की जाफरानी जमात में शमूलियत का इम्कान है। पड़ोसी रियासत कर्नाटका में इंतखाबी मुहिम के अख्ताम के बाद अमित शाह इस तेलुगु रियासत का दौरा करते हुए जलसे से खिताब करेंगे। तेलंगाना में जारी साल के आखिर में होने वाले इंतखाबात के सबब इनके दौरे को अहमियत हासिल हो गई है। तेलंगाना में बीजेपी ने अपनी सरगर्मियों में शिद्दत पैदा कर दी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पोते हिमांशु राव की ग्रेजुएशन डे तकरीब में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के पोते और वजीर बल्दी नजम उन्नस तारक रामा राव के बेटे हिमांशु राव ने गच्चीबौली के वोक्रेज इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं जमात मुकम्मल कर ली और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इस मौके पर स्कूल में 12वीं क्लास ग्रेजुएशन डे की तकरीब मुनक्किद हुई। प्रोग्राम में हिमांशु के दादा और दादी सीएम केसीआर और शोभा वालिदैन केटीआर, शीला छोटी बहन अलिख्या और खानदान के दिगर अफराद ने शिरकत की। ग्रेजुएशन डे के मौके पर वोक्रेज स्कूल की इंतजामिया ने कामयाबी से 12वीं जमात मुकम्मल करने वाले तलबा को ग्रेजुएशन में पेश किए। स्कूल इंतजामिया ने तालीम के दौरान खेलों, सकाफती शोबे और सामाजिक खिदमत के शोबों में सबसे ज्यादा टैलेंट दिखाने वाले तलबा को टैलेंट अवार्ड से नवाजा, जिसमें हिमांशु ने कम्युनिटी एक्टिविटी सर्विस डिपार्टमेंट में जबरदस्त हुनर दिखाया। इसके साथ ही इस जुमरे में एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। बीआरएस कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत, रेवंत रेड्डी ने कहा। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसियों से आजिज आकर राय दहिंदों ने आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस को बरसर इख्तदार लाने का फैसला कर लिया है। बीआरएस से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने आज रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में वाक़े खयामगाह पर मुलाकात की और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। निर्मल जिले के ZPTC फॉरम के सदर और सारंगापुर ZPTC रुकन पाती रेड्डी राजेश्वर रेड्डी ने अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि बीआरएस के कई कायदीन कांग्रेस में शमूलियत के मुंतजर हैं। उन्होंने कायदीन को मशवरा दिया कि वो आवाम से राबते को मजबूत करें। कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले कायदीन ने कहा कि वो निर्मल जिले में कांग्रेस पार्टी के इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। खातून का ऑपरेशन करने के बाद पेट में कपड़ा छोड़ दिया गया, 1.5 साल बाद पेट से कपड़ा निकाल दिया गया। तेलंगाना के जगत्याल में सरकारी डॉक्टरों की संगीन लापरवाही। तेलंगाना के एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की संगीन लापरवाही का वाकया 1.5 साल बाद सामने आया, जहां डॉक्टरों ने खामिला खातून की डिलीवरी के बाद उसके पेट में दस्तीनुमा कपड़ा भूल गए, जिसकी वजह से यह खातून 1.5 साल से शदीद पेट के दर्द में मुब्तला थी और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में स्कैनिंग करवाने पर पता चला कि उसके पेट में कपड़ा है। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने खातून का ऑपरेशन करते हुए उसके पेट से कपड़ा निकाल दिया। ये वाकया जगत्याल जिले के सरकारी हॉस्पिटल का है, जहाँ सिरसिला जिले के बमूलावाड़ा से ताल्लुक रखने वाली नाविया श्री नामी खातून डिलीवरी के लिए 29 दिसंबर 2021 में जगत्याल के सरकारी हॉस्पिटल के माता शिशु सेंटर से रुजू हुई थी। डॉक्टरों ने इसकी सीजन ऑपरेशन करते हुए डिलीवरी अंजाम दी, लेकिन एक कपड़ा इसके पेट में ही छोड़ दिया और खातून 2-3 दिन बाद अपने मकान लौट गई। इसके चंद दिन बाद से उसे पेट में शदीद दर्द शुरू हुआ। कई मरतबा हॉस्पिटल में बताने से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। इस तरह 1.5 साल तक खातून दर्द कम करने की गोलियां खाती रही। तहम 2 दिन पहले खानगी हॉस्पिटल ने उसके दर्द का पता चलाने के लिए स्कैनिंग की, जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ कि पेट में कपड़ा मौजूद है। डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन के जरिए कपड़ा निकाल दिया। जगत्याल सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ खातून के रिश्तेदारों ने जिले कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हैदराबादी खातून हमीदा बेगम ने अबूजाबी में 10 लाख दिरहम की लॉटरी जीत ली। हैदराबाद के खातून ने अबूजाबी की लॉटरी में 2 करोड़ 20 लाख रुपए जीते हैं। इस खातून का नाम हमीदा बेगम है। उन्होंने अबूजाबी में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लॉटरी जीती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमीदा बेगम अबूजाबी में रहती हैं और 3 साल से मेडिकल कोडर के तौर पर काम कर रही हैं। एक तंजीम की तरफ से मुस्तकिल तौर पर लगाई जाने वाली लॉटरी में उन्होंने 100 रुपये में टिकट खरीदा। गैर मुतवक्को तौर पर उन्होंने लॉटरी जीत ली। उन्हें इस लॉटरी की लकी ड्रॉ में खरीदे गए टिकट पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम मिल गई। हमीदा बेगम का कहना है कि जीतने वाली रकम वो अपने 4 बच्चों की तालीम और परवरिश पर खर्च करेंगी। उन्होंने लकी ड्रॉ में 10 लाख दिरहम जीतने वाली पहली खातून के तौर पर एक रिकॉर्ड भी बनाया।
सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के तकरीर का फाइनल एग्जाम नतज का जून में इम्कान। रियासत में सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल के तकरीर से मुतालिक फाइनल एग्जाम के नतज की इजराई के लिए तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इकदाम शुरू कर दिए हैं। जराये ने बताया कि नतज जून के पहले हफ्ते में जारी हो सकते हैं और इसके साथ मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। 12 मार्च से शुरू मुख्तलिफ जुमरे के फाइनल एग्जाम 30 अप्रैल को खत्म होने वाले हैं। फिलवक्त जो इम्तहान मुकम्मल हो गए हैं इन पर्चों की जाँच का अमल तेजी के साथ जारी है। बताया गया है कि लाखों की तादाद में जवाबी पर्चों की जाँच के लिए मई के महीने के आखिर तक लग सकता है, जिसके पेश नजर रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जून के पहले हफ्ते में नतज जारी करने का फैसला किया है। शबे खदर के मौके पर हैदराबाद पुलिस ने हिफाजती चौकसी बढ़ा दी। मुस्लिम कैलेंडर की अहम मजहबी तकरीबात के पेश नजर पुलिस की जानिब से शहर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मंगल की रात शबे खदर मनाई जाएगी, इसके बाद जुमतुल विदा यानी रमजान का आखिरी जुमा और हफ्ते के आखिर में ईद उल फितर का त्यौहार होगा। तीनों वाकयात में शहर की मस्जिद में बड़े इजतिमा देखे गए हैं और शहर की पुलिस श्री रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हालिया फिरखावराना तशद्दुद के पेश नजर कोई मौका नहीं ले रही है। तेलंगाना पुलिस के आला अफसरान ने पुलिस को हिदायत दी है कि वो अगले हफ्ते के दौरान चौकस रहे ताकि गैर समाजी अनासर के किसी भी नापाक अजायम को शहर के अमन को खराब करने से रोका जा सके। पुलिस को खदशा है कि कुछ शरारती लोग बड़े इजतिमात का फायदा उठाकर परेशानी को हवा देने की कोशिश कर सकते हैं। एतमाद साजी के इकदाम के तौर पर सिटी पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मिलकर पुराने शहर में एरिया डोमिनेशन मार्च कर रही है। यह मार्च पुलिस को इलाके के डिपोग्राफी से वक्फियत हासिल करने में मदद करता है ताकि हंगामी हालात में फौरी तौर पर फाल रद्द अमल का इजहार किया जा सके। पुलिस ने शबे कदर, जुमतुल विदा और नमाज ईद के लिए तमाम बंदोबस्तों का मंसूबा बनाया। हैदराबाद शहर के तमाम फिरखावराना तौर पर हसास मुकामात पर बंदोबस्त के लिए सख्त चौकसी बरकरार रखी जाएगी और इजाफी दस्ते तैनात किए जाएंगे। तेलंगाना में तमाम फिरखावराना हुसास मुकामात पर इसी तरह की हिफाजती इंतजाम का मंसूबा बनाया गया है। खम्मम नेशनल हाईवे की तरक्की के लिए 124 करोड़ की मंजूरी। लोकसभा में बीआरएस पार्लिमानी पार्टी के कायद नामा नागेश्वर राव ने मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से नई दिल्ली में मुलाकात की और खम्मम तक परवी कौमी शाहरा की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी की दरख्वास्त की। मरकजी वजीर ने कौमी शाहरा की तरक्की के लिए 124 करोड़ 80 लाख रुपये की मंजूरी दी। नामा नागेश्वर राव ने कौमी शाहरा पर 4 लाइन की सड़कों की तमीर, डिवाइडर्स की तमीर और दिगर इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में फंड्स की इजराई की दरख्वास्त की थी। नितिन गडकरी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कौमी शाहरा की तरक्की के लिए फौरी इकदाम करें। नामा नागेश्वर राव ने नितिन गडकरी से फंड्स की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर किया। हलीम से कबाब तक अमेरिकी कौंसल जनरल ने हैदराबाद के दौरे का लुत्फ उठाया। हैदराबाद में अमेरिकी कौंसल जनरल जेनिफर लारसन ने हाल ही में शहर के मशहूर चारमीनार इलाके में मशहूर फूड ब्लॉगर अहमद अशफाक उर्फ डॉक्टर फूडी के साथ हलीम का मजा लिया। शहर में अपने पहले रमजान के साथ लारसन सीधा मुकामी पकवानों का मजा लेने पहुंची और उन्हें रमजान के दिगर मशहूर पकवान जैसे कबाब और मीठे के साथ साथ हलीम की मशहूर डिश का मजा लेते हुए देखा गया। डीएवी स्कूल प्रिंसिपल के ड्राइवर को 20 साल कैद की सजा। रियासत भर में सनसनी पैदा करने वाले बंजारा हिल्स डीएवी स्कूल में 4 साल बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती के मामले में रजनी कुमार को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। नामपल्ली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ड्राइवर रजनी कुमार को 4 साल बच्ची अब इसकी उम्र 5 साल है इसके साथ जिनसी ज्यादती के मामले में कसूरवार पाया 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये वाकया गुज़िश्ता साल 17 अक्टूबर को बंजारा हिल्स डीएवी स्कूल में पेश आया था जिनसी ज्यादती पर प्रिंसिपल माधुरी के कार ड्राइवर रजनी कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इस सिलसिले में मालूम के मुताबिक पुलिस ने रजनी कुमार को गुज़िश्ता साल 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। कार ड्राइवर को क्लासरूम में जाने की इजाजत देने पर डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल माधवी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था लेकिन अदालत ने उसे बरी कर दिया। रजनी कुमार को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उस वक्त मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हैदराबाद समेत पूरी रियासत में एहतजाजी मुजाहरे किए गए थे। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए हुकूमत ने डीएवी स्कूल की मंजूरी मनसूख कर दी थी। वालिदैन की तशवीश के मुताबिक इसे आरजी तौर पर बहाल कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक अदालत ने फौरी तहकीकात की और रजनी कुमार को कसूरवार पाया और सजा सुनाई। मॉडर्न हैदराबाद की शनाख्त बनाने में तेलुगुदेशम का अहम रोल, चंद्रबाबू नायडू का खिताब। आलमी सतह पर मॉडर्न हैदराबाद की शनाख्त बनाने में तेलुगुदेशम ने अहम रोल अदा किया है। सदर तेलुगुदेशम एंड चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर ट्रस्ट भवन में दावत इफ्तार से खिताब में ये बात कही। उन्होंने बताया कि मुत्तहिद आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम हुकूमत ने शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए कई प्रोजेक्ट्स का आगाज किया जिनमें जिनोम वैली भी शामिल है जहाँ तैयार होने वाली कोरोना वायरस की टीका आज दुनिया भर में सरबराह किए जा रहे हैं। हैदराबाद को तेलुगुदेशम ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज में तब्दील किया जिसके नतीजे में आज दुनिया की अहम तरीन कंपनियां हैदराबाद में सरमायाकारी कर रही हैं। तेलुगुदेशम शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखते हुए शहर की मजबूत तरक्की बिलखसूस पुराने शहर की तरक्की का मंसूबा तैयार किया था। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में तेलुगुदेशम ने अपने इख्तदार में उर्दू जबान को 14 अजला में दूसरी सरकारी जबान का मौकफ फराहम किया था और तेलुगुदेशम पार्टी ही थी जिसने हैदराबाद से रास्त जिद्दा परवाजों का आगाज किया और कल्ब शहर में हज हाउस की तमीर अमल में लाई गई जहां आजमीन हज को तमाम तर सहूलतों की फराहमी अमल में लाई जाती रही है। मरने से पहले अतीक के भाई अशरफ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर के नाम लिखा खत। अतीक अहमद और उनके भाई के कत्ल को लेकर अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मुसलसल योगी हुकूमत पर तनकीदें की जा रही हैं। इस दरमियान एक खुफिया खत ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। जराये से मालूम हुआ है कि जल्द ही अशरफ की जानिब से कबल अज मर्ग लिखी गई एक खुफिया चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच सकती है। इस चिट्ठी में गालिबन वो नाम है जिसने अशरफ और अतीक पर हमला करवाया। अतीक के वकील विजय मिश्रा ने कहा कि जल्द ही योगी आदित्यनाथ के पास एक सील बंद चिट्ठी पहुंचेगी, इसमें अतीक और अशरफ को कत्ल करने वाले का नाम लिखा होगा।
वकील ने बताया कि अशरफ ने मुझसे कहा था कि अगर इसका कत्ल हो जाता है तो ये बंद लिफाफा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच जाएगा। आतिक अहमद के वकील के घर के करीब बम फेंका गया। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मंगल को कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कानून की हुक्मरानी है, माफिया की नहीं। कोई किसी को धमकी नहीं दे सकता। इनके बयान के फौरन बाद प्रयागराज यानी इलाहाबाद के कटरा गोबर गली में बम फेंके गए। दो दिन पहले मारे गए आतिक अहमद का मुकदमा लड़ने वाले वकील दयाशंकर मिश्रा के घर के करीब बम फेंका गया। कहा जा रहा है कि वकील को खौफजदा करने के लिए यह हरकत की गई, जबकि पुलिस का दावा है कि बम धमाके का हदफ आतिक का वकील नहीं था। गोबर गली में दो फरीकन में झगड़े में बम फेंका गया। यहाँ यह जिक्र भेजाना होगा कि आज ही आतिक के वकील ने अशरफ की जानिब से हबलस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर को लिखे गए खत का जिक्र किया था, जिसके कुछ घंटों बाद यह वाकया पेश आया। बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई से मुतालिक फाइल दिखाने से गुजरात हुकूमत का इनकार, सुप्रीम कोर्ट का तलख तबसरा। बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ अर्जी पर समाअत के दौरान मंगल 18 अप्रैल को गुजरात हुकूमत ने फैसले से मुतालिक फाइल को दिखाने से इनकार कर दिया। रियासती हुकूमत ने दलील दी कि इस मामले में रिहाई सुप्रीम कोर्ट की हिकमत की रोशनी में ही की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तलख तबसरा करते हुए कहा कि सेब का मवाजना संतरे से नहीं किया जा सकता। अगर हुकूमत ने कोई पुख्ता वजह बयान न की तो सुप्रीम कोर्ट खुद नतीजा अक्स करेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 2 मई को आखिरी समाअत करने जा रहा है। ख्याल रहे कि मुतासरा बिल्किस बानो के अलावा समाजी कारकुन संभाष अली और टीएमसी के लीडर मोहवा मित्रा ने इस मामले के कत्ल और इज्तिमाई इस्मत दरी के 11 मुजरिमों को रिहा करने के गुजरात हुकूमत के हुक्म को मनसूख करने का मुतालबा किया। ख्याल रहे कि मुतासरा बिल्किस बानो के अलावा समाजी कारकुन संभाषनी अली और टीएमसी के लीडर मोहवा मित्रा ने इस मामले के कत्ल और इज्तिमाई इस्मत दरी के 11 मुजरिमों को रिहा करने के गुजरात हुकूमत के हुक्म को मनसूख करने का मुतालबा किया। इन मुजरिमों को रिहा करने के रियासती हुकूमत के फैसले की मरकजी हुकूमत ने भी तायद की थी और रिहा होने के बाद इन तमाम मुजरिमों का फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल भी किया गया था। इतनी गर्मी, इंसान तो क्या जानवर भी परेशान, चमगादड़े हलाक होने लगी। शदीद गर्मी और धूप के साथ गर्म हवाओं ने इंसानों के साथ साथ जानवरों और परिंदों का भी जीना महाल कर दिया है। उड़ीसा के जाजपुर जिले में गर्मी की लहर की वजह से चमगादड़े मर रही हैं। ऐसे में चमगादड़ों को बचाने के लिए महकमा जंगलात की जानिब से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दरअसल चमगादड़े गर्म हवा की लहर के साथ बराह रास्त रास्ते में आती हैं और नीचे गिरकर मर जाती हैं। कबाद बांधा गाँव चमगादड़ों का महफूज मस्कन समझा जाता है, जहाँ चमगादड़ों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ब्रह्मणी नदी के किनारे 3 बड़े और पुराने दरख्त हैं, जहाँ तकरीबन 5,000 चमगादड़े पाई जाती हैं। गाँव वाले इन्हें मुकद्दस समझते हैं, इसलिए इनकी हिफाजत करते हैं। चिलचिलाती गर्मी से चमगादड़ों की आवाज से गांव वाले भी परेशान हैं। रियासतें मजदूरों के लिए गर्मी से निपटने के लिए इकदाम को यकीनी बनाएं, मरकज ने कहा। मेहनत और रोजगार की वजारत ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा कि वो मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले कारकुनों और मजदूरों पर शदीद गर्मी के असरात के लिए तैयारी और मौसर इंतजाम को यकीनी बनाएं। रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को लिखे एक खत में मरकजी लेबर सेक्रेटरी आरती आहूजा ने जोर दिया कि रियासती हुकूमतें कंपनियों और आजिरों को हिदायतें जारी करें कि वो गर्मी की लहर के मनफी असरात को कम करने के लिए जरूरी इकदाम करें। अपने खत में आहूजा ने जिक्र किया कि महकमे मौसमियात ने शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान, मशरक़ और वस्ती हिंदुस्तान और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में मामूल से ज्यादा दर्ज हरारत की पेशनगोई की है। खत में जरूरी इकदाम की फहरिस्त दी गई है जो उठाए जा सकते हैं। इनमें मुलाजमीन और वर्कर्स के औकात कार की रीशेड्यूलिंग, काम की जगहों पर पीने के पानी की मुनासिब सहूलतों की फराहमी, तामीराती कारकुनों के लिए हंगामी आइस पैक और गर्मी की बीमारियों से बचाव के सामान की फराहमी, महकमे सेहत के साथ मिलकर सेहत का बाकायदा चेकअप शामिल है। खत में बारूदी सुरंगों के इंतजाम को हिदायतें जारी करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। उन्होंने काम की जगह के करीब आराम की जगह की फराहमी, ठंडे पानी की मुनासिब मकदार और इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट जैसे फौरी इकदाम करने को कहा है। SSC MTS इम्तिहान अब 13 इलाकाई जबानों में भी लिया जाएगा, मरकज का फैसला। महकमे अमला और तरबियत यानी DOPT ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी SSC MTS इम्तिहान और CHSLE इम्तिहान हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 इलाकाई जबानों में मुनक्किद करने की मंजूरी दी है। MTS 2022 का पहला इम्तिहान 2 मई 2023 से हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 इलाकाई जबानों में मुनक्किद किया जाएगा। वजीर आजम के दफ्तर में वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक है। ये इस बात को यकीनी बनाएगा कि हर किसी को मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त देने का मसावी मौका मिले और ये जबान की रुकावट की वजह से कोई भी महरूम या नुकसान का शिकार ना हो। हुकूमत के मुताबिक सवालिया पर्चा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी में तरतीब दिया जाएगा। इस फैसले के नतीजे में लाखों उम्मीदवार अपनी मादरी और इलाकाई जबान में इम्तिहान में शरीक होंगे और उनके इंतखाब के इम्कान बेहतर होंगे। किंग चार्ल्स की ताजपोशी के लिए बरतानिया की फौज की मशक। किंग चार्ल्स की आइंदा ताजपोशी की तकरीब के लिए बरतानिया की फौज की पहली रिहर्सल मंगल की सुबह हुई। एक वीडियो भी ऑनलाइन मंजरेआम पर आई है, जिसमें सैकड़ों फौजियों को घोड़ों पर सवार लंदन की सड़कों पर परेड करते दिखाया गया है। किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब 6 मई को होने वाली है। सऊदी अरब में जुमेरात को ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं। सऊदी अरब के फलकियाती मरकज के सरबरा ने कहा है कि सऊदी अरब में जुमेरात को ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं है। रियाद से जारी करदा बयान में मोहम्मद शौकत ने कहा कि फलकी हिसाब से ईद हफ्ता 22 अप्रैल को होगी। दूसरी जानब सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से जुमेरात को ईद का चांद देखने की अपील कर दी है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चांद नजर आने पर करीबी अदालत में शहादत दर्ज कराएं।
ईद की छुट्टियों में इमरान खान पर एक और हमले का मंसूबा, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान का दावा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि ईद की छुट्टियों में उन्हें कत्ल किया जा सकता है। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि उनकी जबान पार्क लाहौर में वाकई रिहायशगाह पर उन पर कत्ल करने की नीयत से हमला करने की पुख्ता इत्तला मौसूल हुई है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ दोबारा ऑपरेशन का मंसूबा बनाया जा रहा है, खदशा है कि कहीं खून खराबा ना हो, ये मुझे गिरफ्तार करना नहीं बल्कि कत्ल करना चाहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट में अपने खिलाफ मुकदमात के इंदराज और तादबी कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान ये बयान दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।